ही राज होता है। बशर की सर बुलंदी में भी कोई राज होता है। जो सर दे दे सरे मैदान वही सरफराज होता है। जो सर दे दे सरे मैदान वही सरफराज होता है। जहाँ पर खत्म होती है हुदूद इंसानी, वहीं से बंजतन की शान का आगाज होता है। दोस्तों, अभी हम खाना खा के टहलने के लिए निकले थे तो कुछ मस्तान मिल गए हमको। उन्होंने कहा कि साबिर भाई, आप हर बार मस्तानों की वीडियो बनाते हो और आपने हमारी यहाँ कलिया शरीफ आए हो, हमारी वीडियो नहीं बनाई। और वो मस्तान वही हैं जो दिल्ली से और कलिया शरीफ से हज़रत ख्वाजा खाजगान, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी कुलसलाज़ के बारगाह में जब उनके ओर होते हैं तो यहाँ छड़ियों के साथ पैदल छड़ियों के जुलूस में आते हैं। तो अभी हम तैयारी से भी नहीं है, ना हमारे पास टोपी है और ना हमारा अंगोछा है, तो फिर भी उनकी रिक्वेस्ट है तो उनकी रिक्वेस्ट पे हम वो वीडियो बना लेते हैं उनकी। वो हम किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते हैं, अगर हमने नहीं बनाई तो उनका दिल टूट जाएगा। तो आइए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं सैयद साबिर अली चिश्ती दरबार ख्वाजा सरकार से उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफाजत में रखे, अपनी पनाह में रखे, ज़मीनी आसमानी बलाओं से और तमाम बुरी बीमारियों से आपकी हिफाजत फरमाएँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, अभी हम कलिया शरीफ में मौजूद हैं और यहाँ पर कलिया शरीफ की हमने तमाम अपडेट आपको दे दी है। और शरीफ की जो पीरान कलियर में मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक कलियरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उर्स मुबारक में जो भी अपडेट हुई है यहाँ पे, वो हमने आपको दे दी है और हमारे वीडियो में आप वो देख सकते हैं। और यहाँ पे हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक कलियरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हम आपको एक ख़ास जगह दिखाने वाले हैं, जो जहाँ पे मस्तान वगैरह रुकते हैं और वो लोग उसको बोलते हैं धूना, और वहाँ पे वो सब जमा होते हैं जो साबिर पाक के उर्स में शिरकत करते हैं। और एक ख़ास बात और आपको बता दूँ कि यहाँ से जो हज़रत ख्वाजा खाजगान, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुम्मुल अजमेरी कुदुस्सौलजीज़ के उर्स में जो छड़ियाँ जाती हैं, उनके उर्स से पहले जो यहाँ से पैदल रवाना होते हैं, छड़ियों का जो जुलूस होता है वो यही मस्तान लेकर जाते हैं और यहाँ से पैदल सफ़र शुरू करते हैं। यहाँ से दिल्ली पहुँचते हैं और दिल्ली पहुँचने के बाद बाबा साहब की दरगाह में हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में वहाँ पर पहुँचते हैं। और ये जो रस्म है छड़ियों की रस्म, ये बाबा साहब की शुरू की हुई है, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शुरू की हुई रस्म है। और वो हुजूर ख्वाजा खाजगान, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुम्मुल अजमेरी कुदुस्सौलजीज़ के जानशीन हैं और अव्वल खलीफा हैं। तो अभी ये देखिए, ये मस्तान है, ये भी उस जुलूस में शामिल रहते हैं, छड़ियों के जुलूस में जो छड़ियों का मेला होता है। और अभी ये वहीं पर लेकर चलेंगे आपको जहाँ पे सारे मस्तान डेरा डाल के बैठे रहते हैं, तो अभी वहीं पर लेकर चलेंगे और वहाँ चल के बताएंगे। यहाँ पे काफ़ी जगह है कलिया शरीफ में और जो धुने बने हुए हैं जहाँ पे तमाम मस्तान अपना डेरा डाल के रहते हैं और यहीं पे अपना खाना पीना सारे काम यहीं से करते हैं। और साबिर पाक के, मौला के और जितने भी बुजुर्गान दीन हैं उन सब के नाम लेते हैं, उन सब के नारे लगाते रहते हैं। तो ये देखिए, ये धुना है, हम धुने में आ गए हैं। यहाँ पे धुने पे आपको हर तरफ मस्तान ही मस्तान नज़र आएंगे, चारों तरफ मस्तान ही मस्तान नज़र आएंगे। और ये सब वही मस्तान हैं जो हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में छड़ियों के मेले में पैदल आते हैं छड़ियां लेकर। ये सभी सब वही मस्तान हैं और इनकी अलग अलग ग्रुप रहते हैं, वो सब हम आपको बताएंगे और सबका तारुफ कराएंगे अभी। और यहाँ पे इधर देखिए आप, यहाँ पे खुद्दाम हजरात भी हैं और ये मंसूर भाई भी यहाँ पे हैं, मंसूर साहब भी हैं यहाँ पे। और ये तमाम मस्तान, यहाँ से आप इन मस्तानों के चेहरों को अच्छी तरह पहचानते हैं, इनकी वीडियो बना के हम डाल चुके हैं। और उर्स में हज़रत ख्वाजा खाजगान के उर्स में हम इनकी वीडियो आपको दिखा चुके हैं, तो आप इन सब मस्तानों को पहचानते हैं अच्छी तरह। भाई वो क्या बोलते हैं, उनकी क्या होती है, मैंने क्या होती है उनकी, वो जो ग्रुप होता है ग्रुप को क्या बोलते हैं, चौक के मालिक हमें ना, हाँ संगत नहीं,
हाँ भी बता देते क्या बोल। तो दोस्तों ये जितने भी मस्तान हैं भाई ये सब ख्वाजा खाजगान के उर्स में अपनी अपनी अलग अलग जमातें अलग अलग जमात लेकर ख्वाजा खाजगान का जो छड़ियों का मेला होता है उसमें जाते हैं। और आप देखिए तमाम मस्तान हैं, सबकी अलग अलग जमातें होती हैं और हर सबकी जमातों के अलग अलग सरगना होते हैं। ये सब मस्तान है, देखिए ये सब मस्तान है और रिफाई सिलसिले के मस्तान है, इनके सबके अलग अलग सरगना होते हैं। और ये भी जो है ये शाह नूर मोहम्मद है, ये भी एक जमात के सरगना है, इनकी सरपरस्ती में भी जमात रवाना होती है यहाँ से कलियर शरीफ से ख्वाजा खाजगान के उर्स में, ख्वाजा खाजगान के उर्स में इनकी जमात भी रवाना होती है यहाँ से। और इनके ग्रुप बने रहते हैं, एक एक ग्रुप में कम से कम 200-200, 250-250 आदमी रहते हैं एक एक जमात में। साईं कमर अली शाह, साईं कमर अली शाह दरवेश सब इनके आए खड़े होते हैं इस ग्रुप में। साईं कमर अली शाह दरवेश से जितनी भी जमातें आती हैं वो सब मेरा नातवान शाह सरवर बाबा और ये मंसूर बाबा हैं इनके पास आती हैं, इनकी सरपरस्ती में जाती हैं। ये बैठे हैं यहाँ पे, फकीरों का फैसला भी यही होता है मीरा नातवान शाह में, और तमाम फकीरों का फैसला भी मीरा नातवान शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में होता है जी। और वहाँ के सज्जादा नशीन है साईं मंसूर अली शाह और साईं सरवर अली शाह, उन्हीं की जेर सरपरस्ती में जो कमर अली दरवेश से जितनी भी जमातें आती हैं वो सब इन्हीं की सरपरस्ती में यहाँ से रवाना होती हैं। और यहाँ पे आप देखिए खुदाम हजरात भी हैं, अब ये आपको इन्होंने हमको बुलाया और ये अभी यहाँ पे मौला की शान में आपको एक कलाम सुनाएंगे। अभी ये खुदाम हजरात हैं जो वहाँ पे भी कलाम पढ़ते हैं, मनकबत पढ़ते हैं मौला की शान में, और अभी आपको एक कलाम और एक मनकबत पढ़ के सुनाएंगे। तो सुनाइए, ये सैयद रहमान चिश्ती हैं, ये पार्टी के जो है सरगना है, जो मनकबत पढ़ने वाली पार्टी है उनके सरगना है ये। ये अभी आपको बज़्म ख्वाजा के सरगना है, ये इंशाल्लाह अभी आपको एक मौला की शान में कलाम पढ़ के सुनाएंगे। ये देखिए ये मासूम बाबा हैं, इनकी सरपरस्ती में भी एक जमात आती है और जो शाही परचम लेकर आते हैं ख्वाजा खाजगान के उर्स में, ये मासूम बाबा लेकर आते हैं, ये भी जमात के सरगना है। कौन सी जमात के सरगना हो? रिफाई सिलसिले से, रिफाई सिलसिले की जमात के सरगना है और ये काफ़ी सालों से जो है पैदल आ रहा है, पैदल सफ़र कर रहा है। और ये जो पैदल सफ़र होता है छड़ियों के मेले का, ख्वाजा खाजगान की बारगाह में जो छड़ियाँ रवाना होती हैं बाबा साहब की बारगाह से, ये उनकी सुन्नत है और ये उन्हीं का शुरू किया हुआ मेला है। जब ख्वाजा खाजगान के उर्स होते हैं अजमेर शरीफ में तो बाबा साहब जो है उनके परचम उनकी छड़ियां लेके दिल्ली से रवाना होते थे और उसी रस्म को ये तमाम मस्तान जितने भी मस्तान और मलंग हैं ये उस रस्म को बखूबी अंजाम दे रहे हैं काफ़ी सालों से। और ये रस्म जो है छड़ियों की रस्म जो है ख्वाजा खाजगान की बारगाह में जाने की रस्म जो है लगभग 800 से 850 साल पुरानी रस्म है जो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने शुरू की थी और उसी वक्त से ये रस्म तमाम मस्तान निभाते आ रहे हैं। ये मासूम अली साई हैं, इनकी जेर सरपरस्ती में भी बता चुका हूँ, एक जमात आती है और शाही परचम इन्हीं के हाथ में रहता है, ये छड़ियों के मेले में सबसे आगे रहते हैं। और इंशाल्लाह जब अभी ख्वाजा खाजगान के उर्स करीबी है और जब उर्स की शुरुआत होगी और छड़ियों का मेला होगा तब वो वीडियो भी बना के हम अपने चैनल मिशन ओलिया पर बताएँगे आपको, और हमारे चैनल का नाम मिशन ओलिया है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। Okay, come on, come on, come on.
अब कैसे बोलोगे तुम तुम आ गए ना थोड़ा लहर के अंदर, थोड़ा लहर में डूब जाओ, डूब के बोलो यही बड़ी बड़ी ही शान से ये मुस्तफा के नाज उठाते हैं, अली को बाद में पहले मोहम्मद को खिलाते हैं, अबू तालिब की ही आगोश है झूला मोहम्मद का, यही एक बात लोरी में मोहम्मद को सुनाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी बंदगी है, मेरी जिंदगी है, जुल्शीरा में ऐलान कर दो, ये जुल्शीरा में ऐलान कर दो, औलाद सारी तुझ पे कुर्बान कर दो, औलाद सारी तुझ पे कुर्बान कर दो, यही मेरी पहली ख्वाहिश यही आखिरी है, मेरी जिंदगी सब सब मेरा पहचान के है, लोग सब सब मेरा पहचान के है, जो है नबी के दुश्मन सब जानते है, जो है नबी के दुश्मन सब जानते है, मेरी दोस्ती से महंगी मेरी दुश्मनी है, दो मेरी जिंदगी है, दो मेरी जिंदगी है, कोई निगाह में हमसे आगे नहीं जितने भी है सभी हाशमी है, रो मेरी जिंदगी है, दो मेरी जिंदगी है, का मुहाफिज हूँ मैं हैदर से पहले, का मुहाफिज हूँ मैं हैदर से पहले, किसमें उतरे मेरे घर से पहले, किसमें उतरे मेरे घर से पहले, उजाला है जिससे दी में मेरी रोशनी है, तो मेरी जिंदगी न पूछे कोई क्या क्या है मेरा, मुझसे न पूछे कोई क्या क्या है मेरा, जो है मोहम्मद का वो सारा है मेरा, जो है मोहम्मद का वो सारा है मेरा, दौलत पे जिन्ने बनी है, मेरी
जिसको पालो उसको जीशान कर दो, मैं जिसको पालो उसको जीशान कर दो, उसको खुदा के दीका सुल्तान कर दो, उसको खुदा के दीका सुल्तान कर दो, ये खासियत तो देखो मेरी गोद की है दो, मेरी जिंदगी है दो, मेरी जिंदगी है, आन देखो हमारे करम बोलते करम बोलते हैं, वो बोलता है कुरान जो हम बोलते हैं, वो बोलता है कुरान जो हम बोलते हैं, हमारी अदा पे कुर्बान वो रब जली है रो, मेरी जिंदगी समझ पाओगे जाते मोहम्मद, तुम क्या समझ पाओगे जाते मोहम्मद, मेरे सिखाया लिखना नाते मोहम्मद, मेरे सिखाया लिखना नाते मोहम्मद, की आयत जैसी मेरी शायरी है दो, मेरी जिंदगी है दो, मेरी जिंदगी है, वो भला मेरी ईशान मेरी, अरे वो भला मेरी ईशान मेरी, करके हो तो बेटी मुस्कान मेरी, करके हो तो बेटी मुस्कान मेरी, बुलाया है जिसने लश्कर वो मेरी हंसी है, जालिम का हरम का पता है, नब से जालिम का हरम का पता है, बेच इसके सारा सितम का पता है, बेच इसके सारा सितम का पता है, तलहा बली है बहत्तर मेरी लाडली है दो, मेरी जिंदगी है दो, मेरी जिंदगी है, नस्ले भी पल जाएंगे तो मैं इतना भी पल जाएंगी तो मैं इतना मानो, ये समंदर से अकेला न मानो, ये समंदर से अकेला न मानो, यहीं पर है बेटी जहरा यहीं पर अली है दो, मेरी जिंदगी जिंदगी है, मेरे जिगर का तुमको टुकड़ा दिया है, मेरे जिगर का तुमको टुकड़ा दिया है, मेरे गुलामों तुमको
खाजा दिया है, मेरे गुलामों तुमको खाजा दिया है, मेरे लाडले के होते तुम्हें क्या कमी है, नासिर की जलवा नुमा है, नासिर की जलवा नुमा मेरे इज्जत के इन्होंने फजीलत पाए, मेरे इज्जत के इन्होंने फजीलत पाए, इनके कलम में जो ये जलवा गरी है तो मेरी जिंदगी है, तो मेरी जिंदगी है, तो किस्मत करना मेरी बंदगी है, तो मेरी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो दोस्तों बशर की सर बुलंदी में भी कोई राज होता है, बशर की सर बुलंदी में भी कोई राज होता है, जो सर दे दे सरे मैदान वही सरफराज होता है, जो सर दे दे सरे मैदान वही सरफराज होता है, जहाँ पर खत्म होती है हुदूद इंसानी वहीं से पंजतन की शान का आगाज होता है। दूसरा कथा बीबी जैनब पर, जैनब अबू तुराब की जीनत का नाम है, जैनब अबू तुराब की जीनत का नाम है, जैनब अमानतों की अमानत का नाम है, जैनब अली के खून की तहारत का नाम है, बेशक बेशक जैनब अली के खून की तहारत का नाम है, जैनब हुसैनियत की जरूरत का नाम है, माना के वजूद शाह में पूरी है करबला, मगर अगर ना हो जैनब तो अधूरी है करबला, बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो दोस्तों अभी आपको वो सब मंजर बता दिया है जो मस्तान मलंग यहाँ पे मौजूद रहते हैं, मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक कलियरी रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में, और ये जो छड़ियों लेकर जाते हैं वो भी सब आपको मालूमात दे दी है, तमाम अपडेट दे दी है। तो दोस्तों यहाँ पे साबिर पाक की बारगाह में तमाम मस्तान और मलंग जो मौजूद रहते हैं अपना डेरा जमा के रहते हैं, वो सब आपको बता दिया है, वो मंज़र आपको दिखा दिया है, और हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की बारगाह में जो खूबसूरत कलाम पढ़ा है वो भी आपको सुना दिया है, ये तमाम मस्तान मलंगों ने खुदाम हजरात यहाँ पे बैठ के जो कलाम पढ़ा है वो भी आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल मिशन औलिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की मालूमात सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारा फेसबुक पेज भी मिशन औलिया के नाम से, वहाँ पे भी हमारी तमाम वीडियोज़ आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम अल्लाह हाफिज़।